वेस्टइंडीज से एक नया नया खिलाड़ी अभी इस समय उभर रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। जहां देखो, फिर चाहे गूगल पर देखो आप, फेसबुक पर देखो, ट्विटर पर देखो, हर जगह एक ही नाम छाया हुआ है, शमार जोसेफ का। इस समय दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज लेजेंड्स जितने भी है, सब इनकी तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थक रहे। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी सिर्फ पदार्पण ही किया है, सिर्फ दो मैचेस ही इन्होंने अपने करियर में खेले हैं, और दो मैचेस में इन्होंने अपना इतना ज़्यादा टैलेंट लोगों को दिखा दिया है कि सब के सब इम्प्रेस हो चुके हैं। फिर चाहे बात एबी डिविलियर्स की हो या फिर क्लाइव लॉयड की हो, सारे के सारे लेजेंड्स इनकी तारीफ में इस समय जुट चुके हैं। बात करें शमार जोसेफ की तो 24 वर्ष के हैं ये, और गयाना से आते हैं। गयाना के एक ऐसे गांव में रहते थे जहां पर साल 2018 तक इंटरनेट भी नहीं आई थी। मैं इनकी कहानी नहीं बता रहा हूं या मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूं कि कैसे स्ट्रगल डिफाइन की जा सकती है। कैसे एक क्रिकेटर जिसने कि अपने बचपन में फलों से गेंदबाजी की हो, वो एक समय पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आके अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के बल्लेबाजों को चकमा दे सकता है। एक ऐसी टीम जिसके अंदर विश्व क्रिकेट के सबसे धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हो, स्टीव स्मिथ एक समय वर्ल्ड के नंबर एक बल्लेबाज, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क से सुसज्जित ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने जब आप खेलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गिर जाता है। लेकिन शमार जोसेफ ने जब अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेला, जब अपना पहला मैच खेला, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट के साथ अपना डेब्यू किया था। उसी समय बहुत से लोगों को वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसे ही कुछ शमार जोसेफ के साथ हुआ। कमेंटेटर्स ने उनको, उनकी काबिलियत को उसी समय पहचान लिया था। अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में वो अपनी टीम को जितवा नहीं सके, क्योंकि बल्लेबाजी एक बड़ा इशू है वेस्टइंडीज़ की टीम का। कहीं ना कहीं गेंदबाजी अब शॉर्ट होती हुई दिख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज भी स्टेप अप करेंगे और अच्छी पारी खेलेंगे। बात करें दूसरे टेस्ट मैच की, तो दूसरे टेस्ट मैच में क्या कहने, क्या गेंदबाजी की है शमार जोसेफ ने। दूसरी पारी में महज 220 के आसपास, आई थिंक 225 के आसपास रन डिफेंड करने को थे, ज्यादा रन थे नहीं वेस्टइंडीज के पास, लूज करने को नहीं थे। इसके बाद शमार जोसेफ दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करने आए थे, तो उस समय उनके टो पर एक टो क्रशिंग यॉर्कर मारी गई थी। यॉर्कर ऐसी थी कि उनको दो खिलाड़ी अपने कंधे पर बिठा कर लेकर गए थे बाहर स्टेडियम से। अब अगले दिन ऐसा लग रहा था कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल कि शमार जोसेफ वापस ग्राउंड पर आ सके, लेकिन इनका जज्बा देखिए, ये ग्राउंड पर आते हैं, पूरे दिन फील्डिंग करते हैं, और जब उनकी टीम को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब सामने आकर स्टेप अप करके अपनी टीम को मैच जितवा भी देते हैं। जब वो अपने स्पेल के आखिरी 12 ओवर डालते हैं ना, तो अपने कप्तान को जाकर सीधा बोल देते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा मेरे पैर का, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लगातार तब तक बॉलिंग करूँगा जब तक कि मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट नहीं कर देता। हुआ भी यही, उन्होंने लगातार बैक टू बैक 12 ओवर गेंदबाजी की। जो लोग क्रिकेट की समझ रखते हैं, वो लोग समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में बैक टू बैक इतने ओवर्स डालना आज के समय में बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि आज के समय में जो गेंदबाज हैं उनके स्पेल्स को कहीं ना कहीं 6 ओवर 7 ओवर 8 ओवर तक लिमिट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में आकर आप अपने दूसरे स्पेल में, तीसरे स्पेल में जब इतनी बड़ी बड़ी स्पेल्स को डालते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के 7 विकेट चटका देते हैं, तो भाई कुछ तो बात है आप में। इसके बाद बात बहुत सारी ये भी उठ रही है कि अब इनको आईपीएल में चांस दिया जा सकता है। अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, इसमें इन्होंने खुद को नामांकित कराया था, लेकिन इनको किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। लेकिन कैसे ये अभी भी आईपीएल की टीम में शामिल हो सकते हैं, मैं वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक ताज़ा खबर इनसे जुड़ी हुई ये है कि पेशावर जलमी, जो कि पीएसएल की एक टीम है, उसमें इंग्लैंड के एक स्पिडस्टर हैं यानी कि तेज गेंदबाज अटकिंसन, उनकी जगह इनको रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कि शमार जोसेफ का विश्व क्रिकेट में अब पदार्पण हो चुका है, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अब उन टीम्स की भी नज़र उनके ऊपर पड़ चुकी है। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिनकी नज़र इनके ऊपर हो सकती है, कैसे, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आरसीबी की टीम के पास वेस्टइंडीज़ के एक और तेज गेंदबाज पहले से मौजूद हैं, नाम आप कमेंट करके हमको बताइएगा। और उसके साथ में यहाँ पर शमार जोसेफ को भी वो लोग आरसीबी की टीम अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट, क्योंकि इंजरी रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर कई बार अदा कर देता है आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। गुजरात टाइटन्स की टीम सर्टेनली शमार जोसेफ के पीछे जा सकती है, क्योंकि मोहम्मद शमी जो इस समय अपनी एंकल सर्जरी से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रिकवर होने में काफी समय लग सकता है, तो ऐसे में शमार जोसेफ गुजरात टाइटन्स की टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स की टीम, हर टीम को कहीं ना कहीं शमार जोसेफ के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सीजन यानी कि 2024 के आईपीएल सीजन में आप देख सकते हैं कि शमार जोसेफ किसी ना किसी टीम के साथ जुड़ करके एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और अभी तक शमार जोसेफ ने आपको कितना इंप्रेस किया है ये भी जरूर बताएं। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन वसीम के साथ।